वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। मॉडर्न हिस्ट्री के आज शॉर्ट लेक्चर में आप जानोगे भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। अंग्रेजों की भू राजस्व वसूलने की तीन मुख्य व्यवस्थाएं थी। पहली स्थाई बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरी महालवाड़ी व्यवस्था। एक एक कर इन पर बात करते हैं। स्थाई बंदोबस्त, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। 1793 में कॉर्नवलिस ने भू राजस्व प्रबंधन के लिए स्थाई बंदोबस्त को लागू किया। इस पद्धति में मध्यस्थों और बिचौलियों को भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर जो स्वतंत्र किसान थे उनको अधीनस्थ रियत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि उन्हें जमींदारों के नीचे परिवर्तित कर दिया, और जो सामुदायिक संपत्ति थी उसे जमींदारों की निजी संपत्ति बना दिया। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी। इस व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया कि जमींदार की मृत्यु के उपरांत उसकी भूमि उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। कॉर्नवलिस ने 1794 में सूर्या अस्त कानून बनाया। इसके तहत यह घोषित किया गया कि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्या अस्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो उस जमींदार की सारी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थाई बंदोबस्त की विफलताओं को देखते हुए दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था के सूत्रधार थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था स्थाई बंदोबस्त की तुलना में अधिक भाग यानी ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू की गई, और यह मुख्यतः दक्षिणी भाग में लागू थी भारत के। इस व्यवस्था में बिचौलियों को हटाकर सरकार व किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया, यानी किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 से आरंभ की गई और इसके सूत्रधार होल्ट मैकेंजी थे। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण संपूर्ण ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था, तथा महाल यानी ग्राम के समस्त कृषक भू स्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। मॉडर्न हिस्ट्री का ये शॉर्ट लेक्चर यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।